हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डीजे खान वन सेकंड। तो यार ये बच्चे पता नहीं ऊपर बैठे हुए थे, मैंने पूछ लिया इनसे कि यार कौन सी गाड़ी बेटर लग रही है। तो भाई कौन सी गाड़ी बेटर लग रही है? ये वाली अच्छी लग रही है। ये वाली क्या मजाक कर रहा है? हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डीजे खान वन सेकंड। तो यार आज है कंपैरिजन रेजियर और एंटॉक के बीच में। तो यार तो यार बात की जाए दोनों स्कूटर के लुक के बारे में, तो दोनों स्कूटर बहुत ही अच्छे लुक के साथ आते हैं यार। और चॉइस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भैया किसको कैसा लुक अच्छा लगता है। बात की जाए तो भैया रेजियर का लुक थोड़ा यूनिक अलग है, बिकॉज ऑफ इस साइड के पैनल हैं इसके अंदर वो सिल्वर कलर के हैं, और स्टिकर है जो है ना इसको थोड़ा और इन्हेंस बनाते हैं। और बात की जाए भैया यार एंटॉक के बारे में, तो इट कम्स विद अ स्पोर्टी लुक, बहुत ही शानदार लुक है इसका भी यार। मतलब जो एग्जॉस्ट के साथ इसका लुक है ना, बहुत ही शानदार है। और बात की जाए भैया इसके डिजिटल मीटर के बारे में, तो यार भर भर के इसके अंदर फीचर्स दे रखे हैं टीवीएस ने, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। मतलब यू कैन नेविगेट इन द डिजिटल मीटर, और आप थोड़े बहुत अलर्ट देख सकते हो इसके डिजिटल मीटर के अंदर, लाइक कॉलिंग SMS जो आएंगे, और सब डिटेल और हिस्ट्री आप देख सकते हो स्कूटर की। और बात की जाए तो यार इसका रियर लुक है ना यार, वो बहुत शानदार है यार कंपेयर टू रेजियर। तो यार ये ट्रांसफॉर्मर के लुक के साथ आएगा आपका लुक पीछे का, बहुत ही शानदार लगता है। और यार इसका जो टायर है ना वो 110/80 है, बहुत शानदार ग्रिप है इस टायर की पीछे वाली की रियर की कॉर्नरिंग में, और मज़ा आ जाएगा यार आपको। मतलब बहुत शानदार कॉर्नरिंग होती है इससे भी स्कूटर से। और बात की जाए ससुरा रेजियर की, तो यार यामाहा वालों ने इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिजिटल मीटर के अंदर दिया नहीं है, जो बेसिक चीज़ें वो दी है। और आते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो यार जैसा कि शायद किसी स्कूटर में इंटीरियर है, बहुत शानदार इंटीरियर है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सो यार आते हैं इसके रियर लुक के बारे में, तो यार इसका रियर लुक बेसिक सा है, इतना ज़्यादा खास है नहीं, बस ऐसे ही दे दिया है। सो यार क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर भी नॉर्मल से ही दिए हैं। और यार इसका रियर टायर भाई ऑफ रोड में तो शानदार ही शानदार है, सिटी में भी अच्छा है। और बात की जाए भैया यार इसके एग्जॉस्ट की, जो एंटॉर्क का है ना यार, बहुत ऑसम साउंड प्रोड्यूस करता है, बेसी साउंड है। मतलब भैया लड़कियां पीछे मुड़ मुड़ के देखती है कि यार ये कौन सी स्पोर्ट बाइक आ रही है। सो यार बात की जाए रेजियर के एग्जॉस्ट के बारे में, तो बेसिक सा साउंड प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल सा खास नहीं है, और लुक भी इतना ज़्यादा ठीक है, इतना खास नहीं है। और साइड का लुक नीचे का आप देख सकते हो यार। तो भैया बात की जाए कि कौन सी स्कूटर बेटर है यार, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो स्कूटर से क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अच्छा माइलेज चाहिए और एक गुड लुकिंग स्कूटर चाहिए ना वो, तो भैया रेजियर आपको दे देगा आराम से, कोई लोड नहीं है उसमें। एक स्टाइलिश लुक और एक यूनिक और अलग लुक है ना, वो आपको रेजियर से मिलेगा। एक आई कैचिंग स्कूटर है ये, मतलब लोग आपको रोक रोक के पूछेंगे कि भाई भैया स्कूटर तो भाई लाजवाब है, कहाँ से लिया भैया, कितने का लिया। और बात की जाए यार एंटॉक की, तो एंटॉक का अभी यार बहुत आ चुका है मार्केट में, तो क्या लोग इसके बारे में जान चुके हैं। बट यार दिस स्कूटर इज ऑसम इन राइडिंग भाई, मतलब इसको अब आप राइड करोगे ना भाई, एक अलग ही फीलिंग देगा, एक बाइक की फीलिंग देगा। इट्स अ हैवी स्कूटर और अब पावरफुल स्कूटर, तो आप इसका माइलेज की ज़्यादा उम्मीद करना मत, पहले कह रहा हूँ। बिकॉज क्या यार ये स्कूटर देखो पावरफुल है, तो माइलेज तो आप भूल ही जाओगे, फिर आपको इतना अच्छा मिल पाएगा कंपेयर टू रेजियर। सो यार अगर आपके फैमिली में एक ऑलराउंडर जो हर कोई स्कूटर चला सकता है, देखो दोनों ही चला सकते हैं, बट कंफर्टेबल के बारे में देखा जाए तो रेजियर को हर कोई चला सकता है, बिकॉज ये 99 kg का है ना। तो एज्ड पीपल है आपके, ओल्ड पीपल घर में, तो वो भी चला सकते हैं रेजियर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट लुक सो बल्की बट रियलिटी में बहुत हल्का है, ये चलाने में बहुत ईजी भी है और फन टू राइड है भाई, कॉर्नरिंग में भी बहुत शानदार है। और बात की जाए तो एंटॉक यार यंग पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जिसको पावर चाहिए, जिसको थ्रोटल एकदम स्पीड में चाहिए ना भाई, एंटॉक उसके लिए बना हुआ है। तो यार दोनों स्कूटर अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छे हैं। बट यार बात की जाए हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग दोनों स्कूटर में शानदार है, सिटी में शानदार मिलेगी। बट बात की जाए स्टेबिलिटी की, वो आपको एंटॉर्क में ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज ऑफ इसका 116-117 kg का वेट होना, डेट्स अ मेजर पॉइंट फॉर दैट स्कूटर, स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज है। और बात की जाए यार ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में देखो रेजियर का रियर ब्रेक है ना, पीछे वाला ब्रेक है वो ज़्यादा बेटर है एंटॉर्क से, और एंटॉर्क का आगे वाला ब्रेक ज़्यादा बेटर है रेजियर से। सो एक्चुअली रेजियर के जो ब्रेक बनाए गए हैं वो उसके वेट के हिसाब से बनाए गए, कि हाँ ज़्यादा स्पीड नहीं है तो ब्रेक आगे वाला नॉर्मल दे दिया है,
और बात की जाए एंडो की, तो उसका आगे वाला ब्रेक थोड़ा पावरफुल दिया है बिकॉज इट्स स्पोर्टी एंड रेसिंग स्कूटर, स्पोर्टी स्कूटर है तो इसलिए इसकी थोड़ी ब्रेक आगे अच्छी दे दी है। सो यार कंफर्ट की बात की जाए तो भाई कंफर्ट में तो भाई एंटॉक विन करती है बिकॉज एंटॉक के सस्पेंशन मच फार बेटर है लेजी आर से कंफर्ट के बारे में। सो यार यही एक फीचर्स है मेन जो एक गाड़ी को यूनिक बनाते हैं। सो यार बात की जाए कि देखो ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसी गाड़ी चाहिए। सो यार बात की जाए दोनों के इंजन के बारे में, तो यार यामा का एक इधर प्लस पॉइंट है कि यार उसकी लाइफ टाइम है ना थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एंटॉक के इंजन से। देखो अगर मेंटेनेंस करोगे तो सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या यामा एक जैपनीज़ कंपनी है ना यार, सो यार यामा की गाड़ियों में ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, फ्यूचर में आराम से चल जाते हैं इंजन दोनों के, और मेंटेनेंस आप सही रखोगे तो दोनों गाड़ियों के इंजन बहुत ही अच्छे हैं। तो यार देखा जाए तो एक डीमेरिट है रेजियर की कि इसका जो रियर का जो एलोवी लेना है यार वो 10 इंच का है, तो इससे क्या इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। और देखा जाए तो एंटॉक यार उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू रेजियर, तो क्या थोड़ा क्या गाड़ी थोड़ी ऊँची है। तो अगर आप ऑफ रोड करते हो या ब्रेकर ज़्यादा हाई हैं आपके एरिया में तो एंटॉक आराम से निकल जाती है उधर, बिकॉज एंटॉक के अंदर क्या रियर का जो टायर दे रखा है ना, रिम दे रखी है, वो 12 इंचेस की दे रखी है, तो अच्छा रहता है, मतलब स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ अ मेजर पॉइंट। तो यहाँ पर यार एक कमी है रेजियर के अंदर जो कि बहुत बड़ी लगती है मुझे कि यार इसमें है ना LED हेडलाइट आपको नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मली स्टॉक हेलोजन बल्ब मिलेगा, जो कि यार मैं मानता हूँ बहुत गलत है। और देखा जाए तो एंटॉक के अंदर आपको DRL बहुत शानदार लगता है इसका टी शेप में, और LED हेडलाइट इसकी बहुत ही शानदार है जो आपको कंपनी से मिलती है, बहुत ही शानदार है। मतलब ये एक कमी है रेजियर में, आप देख सकते हो वैसे रेजियर में बहुत कम फीचर्स है देखा जाए तो। सो यार अगर आपको स्कूटर चाहिए ऐसा कि जिसमें सारे फीचर्स हो, सारे रिलोडेड हो, मतलब LED हेडलाइट हो, सब हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए आपको, तो यार आप एंटॉक पे जा सकते हो नो डाउट, बिकॉज सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इट्स अ कंप्लीट स्कूटर इन एवरी सेगमेंट एक्सेप्ट माइलेज, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसमें लाइक इसका जो फ्यूल गेज है वो सही से काम करता नहीं है। और अगर आपको एक अच्छा स्कूटर चाहिए, गुड लुकिंग स्कूटर चाहिए, और स्पीड भी रियलिटी बताऊँ दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टेप स्पीड के बारे में, अगर आप सिटी में भी चलाते हो ना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 18-20 का ही फ़र्क है। और आपको एक अच्छा माइलेज स्कूटर चाहिए तो आप रेजियर के ऊपर जा सकते हो बिकॉज उसका माइलेज भी अच्छा है, उसका लुक भी अच्छा है, ब्रेकिंग भी अच्छी है ठीक ठाक है सिटी में, और इसको सब चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सर अगर वीडियो लगा हो आपको हेल्पफुल तो भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो यार मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.